वालेकुम अस्सलाम, आ गई है मेरी बेटी। चले आप चेंज करें, मैं खाना लगाती हूँ। चेक योर डायरी, प्लीज। थैंक यू। साइंस का टेस्ट दिखा दे मुझे। साइंस का टेस्ट हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ टेस्ट आज? टीचर ही नहीं आई। अच्छा चलें, आपकी टीचर को मैंने वैसे भी कॉल करना था। ऐसे करती हूँ, मैं उन्हें कॉल करके उनकी खैरियत भी मालूम कर लेती हूँ। वो आज घर में नहीं है तो आप उनको कॉल मत करें। अच्छा चलो ठीक है, आप किसी और दिन आप उनको खा लीजिए। अच्छा चले ऐसे भी ठीक है, चलो अपना काम स्टार्ट करते हैं। चले आप अपनी बुक निकालें उर्दू की। मम्मा भाई मैं थक गई हूँ तो मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ। ओके बेटा, वैसे भी हम 3 बुक्स का कर चुके हैं तो अब आप रेस्ट कर लो थोड़ी सी। इतनी देर में मैं अपने काम निपटा लेती हूँ, तो उसके बाद फिर दोबारा से जो 2 कराया गया वो कर लेंगे। ठीक है, ओके। आज आप नहीं आई? अच्छा खैरियत है, तबीयत ठीक है आपकी? हाँ वो टेस्ट के बारे में भी पूछना था। चले आप बिजी हैं तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट दोबारा बात होगी। ओके जी, इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज। शुक्र से टेस्ट के बारे में बात ही नहीं हुई। इंतसार बेटा, होमवर्क कंप्लीट हो गया आपका? अभी थोड़ा सा रहता है। ओके चलें जल्दी से कंप्लीट कर लें। वैसे मम्मा एक बात पूछो। हाँ जी बोलो बेटा। झूठ बोलने से कान लंबे हो जाते हैं। जो झूठ बोलता है उसके कान लंबे हो जाते हैं? कान लंबे तो नहीं होते, लेकिन आपको पता है झूठ बोलना बुरी बात है। ठीक है, जब हम झूठ बोलते हैं ना तो फिर हमारे कान ऐसे खड़े हो जाते हैं, मतलब हर छोटी छोटी बात पे कोई आपस में बात कर रहा हो तो हम कान उधर लगा के सुनते हैं कि कहीं हमारा झूठ तो नहीं खुल रहा, कहीं इन्होंने हमारा झूठ पकड़ तो नहीं लिया। ठीक है, तो शायद इस वजह से ये कहा जाता है भाई झूठ बोलने से कान लंबे हो जाते हैं। नहीं बेटा, जुबान काली नहीं होती। जुबान काली होने से मतलब ये है, अगर कोई बंदा एक दफा झूठ बोलता है ना तो उस झूठ को छुपाने के लिए बार बार झूठ बोलना पड़ता है। ठीक है, तो उसको फिर गंदी जुबान आप कह सकते हैं कि गंदी जुबान है जो बार बार झूठ बोलती है। ठीक है, और फिर उस पर कोई एतबार भी नहीं करता उसकी जुबान पे। जब दोबारा वो कोई बात करता है तो फिर लोग कहते हैं इसकी जुबान तो गंदी है, इसकी जुबान तो झूठ बोलती है। ठीक है,
इसलिए कहा जाता है कि झूठ बोलने से जुबान काली हो जाती है। हाँ बेटा, झूठ बोलने से हमारा जो फेस है ना वो डल हो जाता है। पता है क्यों? इसलिए कि जब हम झूठ बोलते हैं ना तो हम मुसलसल परेशानी में रहते हैं, हमारा झूठ पकड़ा ना जाए, हम परेशान रहते हैं, किसी को पता ना चल जाए कि हमने झूठ बोला है, इस तरह वो परेशान रह रहे कि हमारा फेस जो है ना डल हो जाता है। लेकिन बेटा आप ये सब क्यों पूछ रहे हो और आप इतने परेशान क्यों हो? I'm sorry, mama. क्यों मैंने बेटा? आपसे झूठ बोला, हमारा साइंस का टेस्ट भी था और हमारे साइंस के टीचर भी आए थे। तो आपके कितने मार्क्स थे? 10 में से 2। तभी आपने झूठ बोला। लेकिन देखें, झूठ बोलने से आप कितने डिस्टर्ब रहे हो, इतनी देर से आप परेशान थे, तो आप वक्ती डांट से बचने के लिए आपने झूठ तो बोल लिया, लेकिन आपने कितना अपना टाइम वेस्ट किया। गलत बात है बेटा, आपको बताना चाहिए था। मम्मा तोपा, मैं कभी ऐसे नहीं करूंगी, झूठ से तो मेरा तोपा तोपा। देखा फ्रेंड्स, इम्तिसाल ने कैसे झूठ से तौबा की है। अगर आप भी आइंदा झूठ बोलते हैं तो बोलना बस कर दीजिए, क्योंकि आप इम्तिसाल की तरह इतने ही परेशान रहेंगे, क्योंकि झूठ बोलना बुरी बात है और झूठे पर अल्लाह की लानत होती है। ओके।